आज हम आप सभी को डेली यूज्ड इंग्लिश सेंटेंस का पार्ट नंबर 18 बताएंगे। आज का जो स्ट्रक्चर है ट्रांसलेशन करने का वो है, सबसे पहले हम भी वन का यूज करेंगे क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का। उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे और अगर सेंटेंस में एक्स्ट्रा वर्ड है तो उसको भी लिखेंगे। इसी के आधार पर हम इन सभी वाक्यों का ट्रांसलेशन करेंगे। पहला सेंटेंस हमारा है, एक गिलास पानी लाओ। सेकेंड है हमारा, किताब मेज पर रखो। तीसरा सेंटेंस है, खिड़कियां बंद करो। चौथा सेंटेंस है, डॉक्टर को बुलाओ। और पांचवा सेंटेंस है, हमेशा गरीबों की सहायता करो। ये पांच सेंटेंस दिए गए हैं और ये सभी पांचों सेंटेंस हमारे इम्परेटिव सेंटेंस है। और इम्परेटिव सेंटेंस की शुरुआत हम जो है क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, अगर एक्स्ट्रा वर्ड है तो एक्स्ट्रा वर्ड को हम लिखेंगे। तो चलिए पहला सेंटेंस हमारा है, एक गिलास पानी लाओ। तो क्रिया यहाँ पर है लाने की, तो लाने को होगा ब्रिंग। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ का ट्रांसलेशन होगा ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। सेकेंड सेंटेंस हमारा, किताब मेज पर रखो। तो यहाँ रखना है क्रिया, तो रखने को होता है पुट। द बुक, किताब हमारा ऑब्जेक्ट है, तो पुट द बुक मेज पर ऑन द टेबल। पुट द बुक ऑन द टेबल, किताब मेज पर रखो। तीसरा सेंटेंस है, खिड़कियां बंद करो। यहाँ पे क्रिया है बंद करना, तो बंद करने का होता है शट। उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पर है खिड़कियां, तो विंडोज लिखेंगे, शट द विंडोज, खिड़कियां बंद करो। अगला सेंटेंस है, डॉक्टर को बुलाओ। यहाँ पे क्रिया है बुलाना, तो बुलाने का लिखेंगे कॉल द डॉक्टर। डॉक्टर को बुलाओ। और पांचवा सेंटेंस हमारा है, हमेशा गरीबों की सहायता करो। हमेशा यहाँ पे एक एडवर्ब है, इसलिए भी हम लोग लिखते हैं ऑलवेज। क्रिया यहाँ पे है सहायता करना, हेल्प। सहायता करने का होगा हेल्प, तो ऑलवेज हेल्प गरीबों की, तो ऑलवेज हेल्प द पुअर, ऑलवेज हेल्प द पुअर, हमेशा गरीबों की सहायता अगला करो। सेंटेंस हमारा है, पुलिस को सूचित करो। यहाँ पे क्रिया है सूचित करना, तो सबसे पहले हम क्रिया लिखेंगे इन्फॉर्म। द पुलिस, इन्फॉर्म द पुलिस, पुलिस को सूचित करो। अगला सेंटेंस, अपना काम पूरा करो। क्रिया यहाँ पे है पूरा करना, तो पूरा करने को होगा कंप्लीट योर, काम को हो जाएगा वर्क, कंप्लीट योर वर्क। अगला सेंटेंस है, दरवाजा खोलो। तो यहाँ पे क्रिया खोलना, ओपन लिखेंगे, दरवाजा खो जाएगा द डोर। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। अगला सेंटेंस है, बिल चुकाओ। तो यहाँ पे चुकाने खो जाएगा पे, और बिल का हो जाएगा द बिल, पे द बिल, बिल चुकाओ।